पापा पापा ये देखो चूड़ियां भी और ये देखो झुमकी भी। पापा तुम रो कह रहे हो? अरे हम रो नहीं रहे पगली, हम तो खुश हैं, बहुत खुश हैं। ये देख बिटिया, है इतनी अच्छी साइकिल, तुमने बनाई? कब बनाई? कल रात को तू जब सो गई थी ना, उसके बाद। दिखा दिखा। बिटिया अभी नहीं अभी नहीं, अभी हम इस साइकिल को यहीं में रख देते हैं। समधी जी, काफी वक्त हो गया है, अब हमें चलना चाहिए। बिटिया वो जो वहां जीप खड़ी है ना, वो मैं जाके बैठ जा। तुम भी चलो। हम कैसे चल सकते हैं बिटिया? तू जा, जा गुड़िया जा। काहे नहीं चलोगे? अरे कोई बिटिया के ससुराल जाता है कहा? ससुराल तो तू अकेली जाएगी, जैसे तोरी सहेलियां गई थी, लता गई थी, याद है ना, रूपा गई थी। हाँ जा गुड़िया जा। नहीं हम अकेले कहीं नहीं जाएंगे, तुम भी चलो हमारे संग पापा। अरे बावरी हो गई है क्या, गजब बात करती है। बाप कैसे जाएगा? बेटी के घर का तो पानी भी पाप होता है। नहीं हम नहीं जाएंगे, पापा के बिना हम कहीं नहीं जाएंगे, मर जाएंगे लेकिन अकेले कहीं नहीं जाएंगे। हमारी अच्छी गुड़िया है ना, जिद नहीं करते, जिद नहीं करते। संदीप जी 3 साल की थी जब इनकी मैया गुजर गई थी, तब से हमरे बिना ही नहीं रही है, इसीलिए थोड़ी घबरा गई है। पता नहीं हमरे बिना कैसे रहे भाई। समधी जी यूं रोते रोते तो यहीं सांझ हो जाएगी और रास्ता काफी लंबा है। एक काम कीजिए, आप भी हमारे संग चलिए, संक्रांति का दिन है, वैसे भी हमने गंगा मैया से मनोती मांगी थी कि लौटते वक्त बेटे बहू के साथ गंगा जी में स्नान करके ही घर लौटेंगे। स्नान का स्नान हो जाएगा और बिटिया का मन भी बहल जाएगा, फिर लौट आइएगा। क्यों बिटिया गंगा जी में स्नान किया है कभी? बनारस देखा है? हम गंगा जी में स्नान करेंगे, वह तो नहीं जाएंगे ना, पकड़ के रखोगे ना पापा? बोलो ना पापा, बनारस खूब बड़ा शहर है ना, वो नक्कल कह रहा था वहाँ पर बड़ी बड़ी पतंगे मिलती हैं और मांझे भी और चूड़ियाँ भी, बोलो ना पापा। पगली कहीं की गंगा।